पलवल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, पलवल उटावर थाना क्षेत्र में तेल चोरी के आरोप में पीट पीट कर ट्रक चालक शौकीन निवासी सिंगार हत्या मामले में शामिल तीसरे आरोपी को उटावर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद पेश अदालत कर किया जेल की सलाखों के पीछे। मामले में पहले ही दो आरोपी सेकुल व साहिल को गिरफ्तार कर उनसे वारदात में प्रयुक्त कपड़ा, चुन्नी, केबल, डोरी, गाड़ी तथा मोबाइल बरामद कर भेजा जा चुका है जेल। उटावर थाना प्रभारी छत्रपाल ने बताया कि श्री राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देशों की पालना में उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक चालक की पीट पीट कर हत्या करने वाला एक आरोपी फिरार अपने गाँव में मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने के फिराक में है। सूचना मिलते ही सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में गठित टीम कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आरिफ पुत्र अमरुद्दीन उर्फ बाऊ निवासी उटावड नोहरिया मोहल्ला बतलाया। गहन पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 मई को नूह जिले के सिंगार गाँव निवासी ट्रक चालक शौकीन की तेल चोरी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। जिस संदर्भ में मृतक के भाई तौफीक की शिकायत पर 9 नामजद व 3-4 अन्य आरोपियों के खिलाफ 16 मई को मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पहले ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2022 को आरोपी सेकुल फोरमैन को गिरफ्तार कर उससे 2 दिन के पुलिस रिमांड के अवधि के दौरान वारदात में प्रयुक्त कपड़ा, चुन्नी, जिससे मृतक का गला दबाया गया था, मारपीट में प्रयोग की गई केबल डोरी तथा गाड़ी कार नंबर HR51CE0366 बरामद की तथा आरोपी को बाद रिमांड अवधि के दिनांक 22 मई को पेश अदालत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद आरोपी साहिल को दिनांक 25 मई 2022 को गिरफ्तार कर 3 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान मृतक का मोबाइल रेडमी तथा वारदात के दौरान मृतक शौकीन की पिटाई वीडियो वायरल में प्रयोग किया गया मोबाइल वीवो बरामद कर बाद रिमांड अवधि के जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर उसे वारदात में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कुल मिलाकर मेवात जिले में एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई थी। सिंगार निवासी ड्राइवर की पीट पीट कर तेल चोरी वारदात में शौकीन फोरमैन, जो पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर एक साहिल नाम के आरोपी को पुलिस इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। अब इसमें तीसरा आरोपी आरिफ पुत्र अमरुद्दीन उर्फ बाऊ निवासी नोहरिया मोहल्ला उटावड को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे आरोपियों को भी इस मामले में सिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।